अंग्रेजों से आजादी के बाद हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बनाया गया। किसे पता था कि हिंदुस्तान से निकला हिस्सा पाकिस्तान से भारत के संबंध में इतनी ज्यादा खटास आ जाएगी और दोनों के बीच कई भीषण युद्ध होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से युद्ध हुए और उनके क्या परिणाम रहे। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा, स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉट सोशल। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। देश के आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर की रियासत पर राजा हरि सिंह का शासन था। उन्होंने स्वतंत्र जम्मू कश्मीर का सपना सजोया था। इसी कारणवश उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में किसी का विलय स्वीकार नहीं था। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उसके कुछ ही महीनों बाद ही राज्य में विभाजन के दंगे सुलग उठे और राजा हरि सिंह के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध हुआ। इस विरोध का परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर में पाकिस्तान ट्राइबल सेनाओं को भेज दिया और आजाद कश्मीर सरकार की घोषणा कर डाली। इस घुसपैठ के संदर्भ में भारत को इत्तला दी गई और राजा ने भारत से मदद मांगी और कश्मीर के राजा ने भारत में विलय स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने इस पर अनुमति दे दी। भारत ने जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय को स्वीकारा और साथ ही भारतीय सेना उनके बचाव में मैदान पर उतर पड़ी। फिर इस भीषण युद्ध का अंत 1 जनवरी 1949 में दोनों देशों के बीच शांति समझौते के द्वारा हुआ। इस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से भारत में रह गए, जबकि 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत के विभाजन में नदी जल बंटवारे को लेकर भी कई विवाद शुरू हुए। लगभग सभी नदियां सिंधु, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी का पानी भारत से होकर गुजरता था। वर्ष 1948 में भारत ने इन नदियों का पानी बंद कर दिया। वर्ष 1960 में नेहरू और आयूब खान के बीच हुए सिंधु जल संधि द्वारा इस विवाद का अंत हुआ। इसके बाद पाकिस्तान झेलम, चेनाब और सिंधु नदी के पानी में पाकिस्तान का अधिकार था, वहीं सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ 1971 का युद्ध भी काफी भीषण था। ये युद्ध तकरीबन 2 हफ्तों तक चला और इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का नए देश के तौर पर उदय हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीयों के सैनिकों ने अपने साहस से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान से जोड़ दिया गया और पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों के बीच भारत की 1200 मील की सीमा भी पड़ती थी। इसके अलावा पाकिस्तान के सैन्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा को भी थोपा। जब पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर डाला, तब भारत ने करारा जवाब देते हुए पूर्वी और पश्चिम दोनों ही पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इस युद्ध का अंत दोनों देशों के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर से हुआ। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल कर पाकिस्तान को अपनी क्षमता और साहस का उदाहरण दिया। भारत में ये दिन हमेशा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ के कारण इस युद्ध का जन्म हुआ। लद्दाख की भारतीय सीमा को राज्य के उत्तरी इलाके से अलग करने वाले इस इलाके में घुसपैठ ने भारतीय सेना को चौंका दिया और कारगिल क्षेत्र से दुश्मनों को निकाल बाहर करने के लिए ऑपरेशन विजय का फैसला लिया गया। कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक टाइगर हिल में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें देश के तकरीबन लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को भारत ने खो दिया और वहीं 1300 ज्यादा घायल हो गए थे। भारतीय वायुसेना ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया और 60 से अधिक दिन तक चलने वाले इस युद्ध में भारत ने टाइगर हिल पर अपना कब्जा जमा लिया और पाकिस्तान सेना को उनकी सीमा पर वापस जाने के लिए विवश कर दिया। ये वाकई तौर पर एक विश्व जीत थी।
आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।